हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज की हमारी वीडियो अमेरिकन बुली के फैक्ट्स पे होगी। पहला पॉइंट, दे आर नॉट पिटबुल। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग अमेरिकन बुली को पिटबुल से कंपेयर करते हैं, पर ये दोनों ब्रीड बिल्कुल डिफरेंट है। इनके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ अमेरिकन बुली और पिटबुल के अंदर। हेड साइज जो होता है अमेरिकन बुली का, वो बड़ा होता है पिटबुल से। लेग्स जो होती है उसकी लेंथ होती है, वो अमेरिकन बुली की शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू पिटबुल। और ओवरऑल जो बॉडी बिल्ड होती है वो अमेरिकन बुली की जो चेस्ट होती है वो ब्रॉड होती है और बल्की होती है, और पिटबुल से कंपेयर करके, मतलब अमेरिकन बुली बल्की होता है एज कम्पेयर टू पिटबुल। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकन बुली चार कैटेगरीज में आता है, चार साइजों में आता है, और ये सारी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरीज है। पहली स्टैंडर्ड, सेकंड पॉकेट, थर्ड एक्सेल और फोर्थ क्लासिक। इनके अलावा एक माइक्रो साइज बुली भी आता है, पर वो रिकॉग्नाइज नहीं है। वो लोग कहते हैं वो पॉकेट साइज से छोटा, मतलब कम हाइट का होता है, उसको माइक्रो साइज बुली कहते हैं। और एक डबल एक्सेल भी आता है, वो एक्सेल से जो लेंथ में बड़ा होता है उसको डबल एक्सेल कहते हैं, पर ये रिकॉग्नाइज नहीं है किसी भी इंटरनेशनल कैनल से। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसिव ब्रीड। जो अमेरिकन बुली है ये ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रीड होती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट बुलीज ब्रीड। तो मैं इसमें सबसे महंगा एक डॉग बिका था, उसका नाम था व्हाइट राइनो, और वो बिका था 2,50,000 डॉलर्स में, जो अपने इंडियन रुपीज में है 1,83,73,000। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है एक। नेक्स्ट पॉइंट, ये ब्रीड एक न्यू ब्रीड है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो कई ब्रीड जो होती है वो 1,000 ईयर्स पुरानी होती है, पर जो अमेरिकन बुली है वो एक न्यू ब्रीड है, हाइब्रिड ब्रीड है। ये नए अभी बनाई है, ये 1980s में बनाई थी, 1980 से 1990s में। और अमेरिकन बुली कैनल क्लब ने इसको 2004 में रिकॉग्नाइज करा था, और UKC ने इसको 2013 में रिकॉग्नाइज करा था। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्पैन। अमेरिकन बुली का लाइफ स्पैन 10 से 13 इयर्स के बीच में होता है। अगर ये मतलब कि इसकी प्रॉपर लाइफ स्पैन ये है, अगर कोई बीमारी ना आए तो। इसके अंदर एक कॉमन बीमारी है हिप एंड एल्बो डिस्प्लेसिया। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकन बुली आर इजी टू ट्रेन। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन बुली को दूसरी ब्रीड से मतलब कंपेयर करेंगे तो ये आसानी से ब्रीड ट्रेन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड एक्सरसाइज। अमेरिकन बुली जो है इसको एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसका बल्कि ये जो डॉग है ये पिटबुल टेरियर जो डॉग है उनके साथ मतलब मिक्स करके बनाया है, तो इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसको बर्न उसकी इनको बर्न करने के लिए इसको एक्सरसाइज करवानी बहुत ज़रूरी है, नहीं इसके अंदर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। नॉर्मल इसको आप 60 मिनट तक एक्सरसाइज कराओगे नॉर्मल एक दिन में तो वो इनफ होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट फैमिली डॉग। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अमेरिकन बुली फैमिली डॉग नहीं है, और ये आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कैनल क्लब की साइट पे चेक कर सकते हो कि जो ये अमेरिकन बुली है ये बेस्ट फैमिली डॉग की कैटेगरीज में आता है, क्योंकि ये बहुत जेंटल होता है छोटे बच्चों के साथ, और इसका नेचर जो है वो लॉयल और लवली है, और लविंग नेचर है इसका, तो बहुत अच्छा नेचर है, तो इसे आप ग्रेट फैमिली डॉग की कैटेगरी में ला सकते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, लिटिल ग्रूमिंग। लिटिल ग्रूमिंग इसका शॉर्ट कोट होता है, तो जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जो इस पे टाइम नहीं दे सकते ग्रूमिंग पे, तो वो इस चीज को प्रेफर कर सकते हैं। इसको आप एक वीक में एक बार अगर ब्रशिंग करोगे तो ये इनफ होगा इसके लिए। और सबसे मेन पॉइंट, परफेक्ट इन ऑल स्पेसिस। इसका मतलब कि अगर आपका छोटा घर है तो भी आप अमेरिकन बुली को रख सकते हो, और अगर आपका बड़ा घर है तो उसमें भी रख सकते हो। ये चीज कैसे पॉसिबल है कि अभी मैंने आपको बताया था अमेरिकन बुली के चार साइज होते हैं, तो चार साइज छोटे जैसे पॉकेट साइज है वो छोटी ब्रीड है, छोटा साइज है जैसे पग जितना साइज होगा उसका, तो वो छोटे अपार्टमेंट्स में जैसे 1 BHK में रह सकता है, और जैसे और स्टैंडर्ड है, क्लासिक है, और एक्सल जो साइज है वो मतलब बड़े घरों में रह सकता है, जैसे कि जिसपे या फार्म हो या फिर मतलब कि बैकयार्ड हो या फिर अच्छा बड़ा जिसमें स्पेस हो डॉग की रनिंग के लिए और घूमने के लिए। तो ये थी हमारी वीडियो अमेरिकन बुली के फैक्ट्स के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।